हेलो एवरीवन दिस इज वंदना सरकार वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल असाकाश एजुकेशन मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर मैं फिर से आ गई हूँ एक नई लेक्चर की वीडियो लेके जो कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर से है आज मैं इसका लेक्चर फाइव दूंगी मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी चार वीडियोज़ बना के रखा हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉज दैट वीडियो फर्स्ट ओके तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जो एनर्जी रिसोर्स है इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया हुआ है जो कि energy, इसके ऊपर ऑलरेडी कवर्ड कम टू दिस कि मैं आज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कवर करूंगी जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये पूरा फॉसिल फ्यूल से अलग क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो है इट इज नॉन एग्जॉस्टेबल -exha जो कि एग्जॉस्ट नहीं होता ये पॉल्यूशन फ्री है ये इनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड डेफिनेटली इट इज वेरी सस्टेनेबल एनर्जीज तो आज इन सब के बारे में बारीक बारीक से जानेंगे तो फर्स्ट जो जानना है सोलर एनर्जी तो सोलर एनर्जी को कैसे बनाया जाता है फर्स्टली सन रेज को ट्रैप किया जाता है इन अ फोटोवोल्टिक सेल्स एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी दैट इज नोन एज अ सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी बनाया जाता है दो प्रोसेस से फर्स्ट प्रोसेस इज फोटोवोल्टेस एंड सेकेंड वन इज सोलर थर्मल एनर्जी और इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है क्योंकि ये एनर्जी बहुत अच्छा सस्टेनेबल एक एनर्जी है जिसका कॉस्ट इज वेरी कंपेटेटिव लाइक कंपेरेटिवली दूसरे जो नॉन कन्व एनर्जी है उससे थोड़ा कम है डेफिनेटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री एंड इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट और इट इज सेवन मोर एफिशियंट और इफेक्टिव देन द कोल एंड ऑयल प्लांट्स एंड टेन मोर इफेक्टिव देन द न्यूक्लियर प्लांट्स तो इट मींस क्या समझा जा रहा है कि सोलर एनर्जी इज वेरी इफेक्टिव और विच इज आल्सो वेरी सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली और इसका यूज डेफिनेटली हो सकता है जो कि अप्लायसेज uh, में कुकिंग अप्लायसेस में स्पेशली इन लाइक हीटर्स और लाइक क्रॉप ड्रायर्स कुकर्स इन सब चीजों में और जो हम लोग के वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे लाइक टेम्परेचर ज्यादा है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्पेशली इन गुजरात एंड राजस्थान इन सब जगह में ज्यादा तरीके से सोलर एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही किया जा सकता है हर एक जगह पे किया जा सकता है जहाँ पे लाइक सन रेज ज्यादा मिलता है डे ड्यूरेशन ज्यादा हो तो वहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी होता है और सोलर एनर्जी इट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी अब uh, नए दौर में ये बहुत सारे तरीके से लाइक like, गवर्नमेंट भी इसको अप्रोच अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि करे सब लोग यूज करें क्योंकि ये अच्छा है और डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली और इट इज खत्म नहीं हो जाएगा, एनर्जी okay? भी काफी अच्छा है विंड एनर्जी ब्लोइंग विंड से बनाया जाता है जो विंड uh, का जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रू टर्बाइन को यूज करके एनर्जी को कंस्ट्रक्ट uh, किया जाता है एनर्जी को बनाया जाता है सॉरी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्ट्रक्टिंग सो जो इंडिया में इसका लाइक ह्यूज पोटेंशियल है इसको ऑलरेडी स्टार्ट किया गया है विंड एनर्जी को जनरेट करना एंड इस प्रोग्राम को टू फिफ्टी वीन ड्राइव ड्रीवेंट रोवाइंस को यूज कर किया गया है एंड टोटल कैपेसिटी है इसका फोर्टी फाइव मेगावाट स्प्रेड ओवर ट्वेल्व स्वटेबल लोकेशन और इसका टोटल कंट्री का जो पोटेंशियल है विंड पावर जनरेशन का दैट इज फिफ्टी थाउजेंड मेगा विच इज वन फोर्थ ऑफ दैन बी easily harnessed और यहाँ पे कहाँ पे ये अच्छे तरीके से किया जा सकता है राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका स्पेशली उस जगह पे ये विंड एनर्जी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है जहाँ पे परमानेंट विंड सिस्टम हो मीन स्ट्रेट विंडनेंट लाइक वेस्ट इंडीज या फिर परमानेंट लाइक सीजनल विंड लाइक मॉनसून विंड जो की लाइक परमानेंट ये आएगा ही वे विंड और लैंड और सी ब्रिज से भी ये विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड नेक्स्ट इज टाइडल एंड वेव एनर्जी टाइडल एंड वेव एनर्जी मतलब ओशन करंट इट इज अज स्टोर हाउस ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ एनर्जी ये सिंस लाइक सेवनथीन एंड एटीन सेंचुरी से बनाना स्टार्ट किया गया था एंड जो लार्ज टाइडल वेव्स है ये हम लोग की इंडिया में वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में इसका ह्यूज पोटेंशियल है इनसे भी बहुत सारा एनर्जी हम लोगों को बनाया जा सकता है और नए दौर में अभी आजकल इसको बनाया जा भी रहा है नेक्स्ट इज ज्योथर्मल एनर्जी ज्योथर्मल एनर्जी होता है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है अर्थ के अंदर के जो मैग्मा है वो बाहर निकलते हैं सरफेस में और जो एक ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है उसी हीट को ट्रैप करते हैं

नेक्स्ट इज बायो एनर्जी बायो एनर्जी एक एनर्जी है जो बनता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट स्पेशली जो एग्रीकल्चर इंडेस्ट्री वेस्ट से बनता है ये Municipal की वेस्ट इंडस्ट्रियल अदर वेस्ट से जो सब वेस्ट और गार्बेजेस है इन सब को प्रोसेस किया जाता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है इसका भी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है क्योंकि एग्रीकल्चरल बहुत रेसिड्यू निकलता है इंडस्ट्रियल बहुत सारे निकलता है, तो इसका पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है अगर प्रॉपर तरीके से इसको बनाया जाए तो एडवांटेज है डेफिनेटली इकोनॉमिक लाइफ रूरल पीपल का इंप्रूव करेगा रिड्यूस uh, करेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एनहेंस द सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फ्यूल ऑफ वुड और इस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एक दिल्ली जो म्यूनिसिपल एरिया है वहां पे लिया गया है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा वेस्ट निकलता है ओखला में ओके okay? तो बायो एनर्जी इज आल्सो ग्रेट एनर्जी जो जो अगर इसको ठीक तरीके से यूज किया जाए और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्योंकि हम लोग के जो ऑफ एनर्जी वो एग्जॉस्टेबल है खत्म हो जाएगा और तो हम लोग एक प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा कोई भी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रन करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक पैसों से नहीं होता एक इन्वायरमेंट को भी प्रॉपर तरीके कि लाइक like, सस्टेन करना पड़ेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए कोई भी डेवलपमेंट तो ये सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही हो सकता है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो जो चीजें है जो हम लोग आज यूज करके फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी सेम बचा के रखें ताकि वो लोग भी सेम क्वांटिटी में यूज कर सके तो डेवलपमेंट तो तो करके ऐसे, ऐसे करके यूज करना चाहिए कि फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी वो रह जाए तो इसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करना होगा हम लोगों को रिसोर्सेज नेक्स्ट हम लोग कोल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेफिनेटली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जम्प करना पड़ेगा ताकि सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कम हो और वो बच जाए जैसे कि सोलर पावर विंड वेव ऑफ एनर्जीज, और स्क्रैप मेटल्स को भी बहुत सारे रिसाइकल करके मेटल्स को यूज करना पड़ेगा और इसका सबस्टिट्यूट भी निकलना पड़ेगा बहुत सारे स्केयर मेटल्स को ताकि कंज़म्पशन भी घट जाए एंड बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एंड एक लेना पड़ेगा ताकि मिनरल्स का जो यूज है वो रिड्यूस हो जाए ताकि एक जो एग्जिस्टिंग रिजर्व में भी यूज फॉर अ लॉन्गा लौ, पीरियड ताकि जो अभी तक है जितना वो बाकी पीरियड में भी बाकी टाइम में भी अच्छे तरीके से प्रॉपरली यूज किया जाए सिर्फ आज की जनरेशन यूज करके खत्म हो जाए तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ताकि ऐसा हो कि वो लोग ऐसे कहेंगे कि एक टाइम में कोल हुआ करता था उन लोगों को पता भी नहीं होगा देखेंगे भी बोल क्या था तो तो ऐसे हम के हम लोगों के 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू चीजें यूज़ करना पड़ेंगे कि फ्यूचर लिए लिए भी भी प्रोटेक्ट हुए प्रॉपर साथ तो इसके गवर्नमेंट को अच्छे-अच्छे तो, ये, ये अच्छे समझ में आ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत टू है So, I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned. Thank you.